पठानकोट पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब SHO को एक गुप्त सूचना मिली कि शहर में पिछले लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 युवक जो कि पठानकोट से हिमाचल की ओर जा रहे हैं उनको पकड़ा जा सकता है, जिसके चलते पुलिस ने हिमाचल को जाने वाले चक्की दरिया पर बने पुल पर नाका लगा लिया। और जब इन तीनों को मोटरसाइकिल रोककर पूछताछ की गई तो ये कोई उचित जवाब नहीं दे सके, जिसके चलते जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपने द्वारा की गई सभी चोरियों को मान लिया, जिसके चलते पुलिस ने इनसे 10 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक वीडियो कैमरा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने इन पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजन टेलीकम्युनिकेशन शॉप सी जिहदे विच कुछ अन पसाते लोगों ने चोरी कर ली सी, शटर तोड़ के जिहदे विच 10 मोबाइल चोरी हुए, एक लैपटॉप सी, कैमरा सी। तो SHO साहब की टीम ने वधिया काम करते हुए कल वो जिहड़ी चोरी ट्रेस कर ली है, तो जिहड़े उहदे चोर सीगे तिन्ने वो फड़ ले ने, ते जिहदे 10 मोबाइल सीगे, एक लैपटॉप सीगा और कैमरा सीगा डिजिटल, वो बरामद कर लिया। तो उन्होंने खिलाफ़ मुकदमा आपां 457-380 का IPC दर्ज करके उन्होंने अरैसट पा ली है। अज उन्होंने पेश किया जाएगा कोर्ट के विच, पहले भी कोई मामले ना वो तहकीकात कर रहे हैं, जो होगा तुम दस दिता जाएगा। पहचान हुई सर, पहचान की हुई है ने अपने मुंडा एक विक्की हैगा उर्फ जहीर खान, सोहन लाल उर्फ सोनू, तो पवन कुमार उर्फ चतरू, ये तिने जड़े ढंगू रहने वाले ने। कितों फड़े गए? ये अपना इतने नाका लगाया हुआ चक्की ते, कहीं इनफॉरमेशन पता लगे भी आ रहे ने तो थोड़ा गिरफ्तार। बेसिकली सर की काम करते हैं सारे? बेसिकली ये कोई काम नहीं करते, वेले दिहाड़ी धप्पा लाते हैं, तो बाकी तहकीकात जारी है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा तो दस दिता जाएगा। सर कोई नशे नुशे वास्ते चोरी चार करते मे भी हो सकता, वो वास्ते इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी तथ्य सामने होंगे तो दस दिता जाएगा। थैंक यू। कमल रंधावा, दिव्या पंजाब TV, पठानकोट।